हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कस्टर वीडियो में। मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ पेट बनाओ टेट आंदोलन। पेट बनाओ टेट आंदोलन जरूर होना चाहिए। पेट बनाओ टेट आंदोलन मतलब पेट को जो है पूरी तरह से टेट बना देना चाहिए। हम लोगों को जो है आंदोलन करना चाहिए, इसके लिए अभियान चलाना चाहिए कि यूपी SSSC जो पेट होता है परीक्षा होती है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, और जो टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेट को मतलब टेट बना देना चाहिए सरकार को। पेट को जो है टेट बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों को जो है आंदोलन करना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए। अगर मैं पूरी डिटेल बताऊं इसकी, पेट 2021 में जो कुल आवेदन आए थे 20 लाख आवेदन आए थे, और पेट 2021 में जो 20 लाख अगर मल्टीप्लाई करें 140 का 140 रुपये जो है इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल OBC की जो एप्लीकेशन फ़ी होती है पेट में 185 रुपये होती है, और SC ST की 95 रुपये होती है, और PH की जो है 25 रुपये होती है। अगर एवरेज फीस देखी जाए तो एवरेज फीस जो होती है औसत फीस इसकी जो है 140 रुपये मान ली हमने, अगर एवरेज फीस 140 रुपये मान लेते हैं तो पेट 2021 में जो है कुल आवेदन आए थे 20 लाख लोगों ने मतलब फॉर्म अप्लाई किया था पेट में, यूपी SSSC पेट में। अगर इसका मल्टीप्लाई करें हम पेट 2021 में 20 लाख मल्टीप्लाई 140 रुपये है मतलब औसत फीस हमने मान ली 140 रुपये है, 140 का अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 28 करोड़ रुपये होती है। बताइए इतने 8 करोड़ रुपये मतलब कमाई हो रही है मतलब इससे पेट से 28 करोड़ रुपये मतलब बहुत 28 करोड़ मतलब कुछ होता है मतलब 28 करोड़ रुपये मतलब इतनी कमाई हुई है पेट द्वारा 28 करोड़ रुपये। और मतलब हर साल ये पेट हर साल मतलब ये पेट के फॉर्म निकालते हैं और भर्ती मतलब बहुत ही कम आती है, इससे अभी बहुत कम पोस्ट आती हैं, और इसका जो है समय से मतलब फॉर्म आता है मतलब इसका समय से आवेदन होते हैं, इसके समय से मतलब फॉर्म भरे जाते हैं, समय से मतलब इसकी परीक्षा होती है पेट की, लेकिन कोई भी वैकेंसी समय से क्लियर नहीं होती है, ना ही समय से उसका पेपर होता है। लेकिन पेट का जो है समय से पेपर होता है, समय से इसका आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं, समय से इसकी परीक्षा होती है। और देखिए कितने लाख फॉर्म आए थे 20 लाख मतलब लोगों ने फॉर्म भरा था, इतना तो मतलब किसी भर्ती में नहीं भरे जाते हैं फॉर्म, 20 लाख फॉर्म बहुत होते हैं मतलब 20 लाख फॉर्म। तो इसलिए हमें पेट को जो है सरकार को जो है पेट को टेट बना देना चाहिए मतलब हमेशा के लिए मान कर देना चाहिए। इसके जो है हर साल फॉर्म भरे जाते हैं ये मतलब गलत बात है, इसके हर साल फॉर्म नहीं भरे जाने चाहिए। सरकार को जो है इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब तय कर देना चाहिए हमेशा के लिए, इसको मतलब मान कर देना चाहिए सरकार को। हमें मतलब रिक्वेस्ट करना चाहिए सरकार से कि इसको जो है हमेशा के लिए मतलब टेट बना दिया जाए, मतलब जैसे टेट होता है जैसे CTET होता है ऐसे ही मतलब इसका क्राइटेरिया मतलब तय कर देना चाहिए, क्वालिफिकेशन मार्क्स मतलब तय कर देना चाहिए कम से कम। जैसे जो है टेट में UP TET में जो है UP TET की जो पहले वैधता थी 5 साल तक थी, मतलब इसकी पहली वैधता UP TET की, फिर वैधता को जो है हमेशा के लिए मतलब मान कर दिया गया UP TET को। अब जो है मतलब हमेशा के लिए मान रहे हैं UP TET और CTET में जो है क्वालिफाइंग मार्क जो है जनरल के लिए 60% होते हैं, और OBC SC ST के लिए जो है 55% मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं UP TET में, जनरल के लिए 60% मार्क्स होते हैं और OBC SC ST के लिए 55% मार्क्स होते हैं। UP TET में जो है 150 का मतलब पेपर होता है, 150 में से मतलब 90 अंक लाने होते हैं मतलब सामान्य यानी जनरल वालों को क्वालिफाइंग के लिए, और बाकी लोगों को जो OBC SC ST वाले होते हैं उन्हें 150 में से 82 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जनरल वालों के लिए 60% होते हैं, 60% मतलब 90 अंक लाने होते हैं मतलब जनरल वालों को, और OBC SC ST वालों को 55% मतलब 82 अंक लाने होते हैं। तो ऐसे ही मतलब पेट में तय कर देना चाहिए 60% कम से कम मिनिमम मार्क्स तो मतलब तय कर देना चाहिए पेट में। हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए सभी विद्यार्थियों को मिलकर कि आंदोलन चलाना चाहिए पेट बनाओ टेट आंदोलन चलाना चाहिए, पेट बनाओ टेट अभियान चलाना चाहिए। रिक्वेस्ट करना चाहिए मतलब सरकार से कि इसको जो है हमेशा के लिए जो है मान कर दिया जाए। हर साल मतलब इसके फॉर्म भरे जाते हैं ये मतलब गलत बात है, एक तरह से हर साल इसके जो है फॉर्म नहीं आने चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत परेशानी होती है मतलब बच्चों को मतलब हर साल फॉर्म भरना पड़ता है इसका। जैसे टेट है मतलब ऐसे ही पेट होना चाहिए मतलब हमेशा के लिए मतलब इसे मान कर देना चाहिए, हर साल इसके फॉर्म नहीं आना चाहिए, हर साल बच्चे मतलब इसके फॉर्म भरते हैं। और देखिए पेट 2022 कुल आवेदन कितने आए थे पेट 2022 में, 37 लाख प्लस मतलब 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था पेट 2022 में, और पेट 2022 में जो है 37 लाख प्लस मतलब आवेदन आए थे, मतलब 37 लाख 29 हज़ार आवेदन आए थे इसमें।
अगर मल्टीप्लाई करें 140 से तो 52,20,60,000, 52,20,60,000 मतलब इतने की मतलब कमाई हुई थी, मतलब 52,20,60,000 रुपये की मतलब कमाई हुई थी पैर 2023 में। अभी हाल ही में मतलब फॉर्म भरे गए इसके, पैर 2023 में मतलब कुल आवेदन आ चुके हैं 32,00,000 प्लस आवेदन आ चुके हैं अभी तक। डेट तो निकल चुकी है इसकी, मतलब 32,00,000 प्लस आवेदन आ चुके हैं इसके। तो अगर पैर 2023 में 32,00,000 आवेदन आएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करें 140 रुपये से तो होते हैं 44,80,00,000। कितने होते हैं 44,80,00,000, मतलब इतने की मतलब कमाई हुई है इससे, 44,80,00,000 की मतलब कमाई हुई है इससे। देखिए कितने करोड़ों की मतलब कमाई हो रही है इस फॉर्म से। तो मतलब इसको मतलब बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं मतलब फॉर्म भरने में इसके। ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आती है यूपीटेबल एससी पैट से, और बहुत ही कम मात्रा में वैकेंसी आती है, ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आती है, मतलब 5-6 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है पैट से। तो मेरे हिसाब से यूपीटेबल एससी पैट को टेट मतलब मैं कन्वर्ट कर देना चाहिए, टेट जैसे टेट होता है ऐसे सी टेट होता है, ऐसे ही मतलब हमेशा के लिए मतलब मान कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा तो यही मतलब रिक्वेस्ट है सरकार से कि पैट को जो है टेट बना देना चाहिए। बच्चे मतलब हर साल मतलब परेशान होते हैं, पेपर देने जाते हैं इतने दूर दूर, मतलब 200-200 किलोमीटर मतलब इसका सेंटर जाता है पैट का। बच्चे हर साल इसका मतलब फॉर्म भरते हैं, बहुत परेशान होना पड़ता है मतलब बच्चों को, इसलिए इसको जो है पैट को हमेशा के लिए मतलब मान कर देना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से मतलब क्वेश्चन करता हूँ कि आप पैट को टेट बना देना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से मतलब क्वेश्चन करता हूँ क्या पैट को टेट में मतलब बना देना चाहिए, टेट और सी टेट जैसा मतलब बना देना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या पैट को टेट बना देना चाहिए। तो बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या पैट को मतलब टेट जैसा बना देना चाहिए, जैसे टेट होता है, जैसे सी टेट होता है, ऐसे ही मतलब पैट को मतलब बना देना चाहिए। हर साल मतलब फॉर्म भरे जाते हैं इसकी, बहुत मतलब परेशानी झेलनी पड़ती है हर साल, मतलब पेपर होता है इसका, बहुत दूर दूर सेंटर जाते हैं 200-200 किलोमीटर। इसलिए इसको मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब क्वालिफिकेशन मतलब इसके मार्क्स तय कर देना चाहिए। जैसे यूपी टेट और सी टेट में होते हैं 60% मार्क्स जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स होते हैं। ऐसे ही मतलब पैट में मतलब तय कर देना चाहिए क्वालिफिकेशन मार्क्स, जनरल वालों के लिए 60% कर देना चाहिए पैट में, और ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 55% मार्क्स तय कर देना चाहिए, जिससे जो है हर बच्चा मतलब फॉर्म भर पाए, मतलब जो पैट से मतलब वैकेंसी आती हैं बच्चा मतलब फॉर्म भर पाए, मतलब उसका कोई मतलब भर्ती आती है। अब मतलब पैट का जो पेपर होता है उससे मतलब बहुत ही हाई मेरिट चली जाती है, 75-75-76 इतने मतलब बच्चों के मतलब नहीं आ पाते हैं मतलब नंबर पैट में। वो बच्चे मतलब पेपर देने से मतलब रह जाते हैं, मतलब पेपर नहीं दे पाते हैं वो बच्चे। इसलिए पैट में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर देना चाहिए सरकार को 60%, और जनरल के लिए 60%, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स तय कर देना चाहिए। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि पैट को जो है टेट बना देना चाहिए, ये सबकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ। पैट को जो है हमेशा के लिए जो है मान कर देना चाहिए। आप लोग बताइए आप लोग चाहते हैं कि पैट को मतलब टेट बना दिया जाए यूपी टेट की तरह, और सी टेट की तरह बना दिया जाए हमेशा के लिए मतलब मान कर दिया जाए पैट को, हर साल मतलब फॉर्म ना भरना पड़े इसका, मतलब हर साल फॉर्म आते हैं, हर साल मतलब फॉर्म भरे जाते हैं कितने लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 32 लाख मतलब। और लोग ही बताइए मतलब जो निर्णय होगा मतलब आप लोगों के ऊपर है सब, क्या पैट को मतलब टेट बना देना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप सभी लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।